बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर्रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मकबूजा वादी में भारतीय जारहियत के, जहां आसिया अंद्राबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में भारतीय स्टील टाइकॉन बहुत बड़े ताजर सज्जन जिंदाल की पाकिस्तान में मुबैना आमद और वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल भी इस प्रोग्राम में नशर करेंगे। और साथ बात होगी इमरान खान साहब की उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपये की पेशकश की गई कि वो पनामा केस में खामोश रहें। आज भी दिन भर इस पर सियासतदान बयान दागते रहे, वो क्या थे वो भी प्रोग्राम में आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शाम साहब, आज सुबह दोपहर 12 बजे के करीब इत्तलात चंद चैनल से नशर हुई कि जो सज्जन जिंदाल हैं, जो भारत में दूसरे बड़े प्राइवेट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी उनकी JSW, वो चार्टर तैयारे से काबुल से पहुंचे पाकिस्तान में और फिर मरी में उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से। और फुटेज भी एक रिलीज़ की गई जिसमें दो प्रोटोकॉल की गाड़ियां, और कहा जा रहा था उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साबिक जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं वो बैठे हुए थे और उन मेहमानों को लेकर वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए ले जा रहे थे। सो फार ऑफिशियली वज़ीर आज़म हाउस से इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी, कोई जवाब नहीं मिल सका। और मुलाकात के ऊपर फिर कई थीरियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं कि क्यों मुलाकात हुई, क्या पैगाम लेके आए मोदी साहब का, प्योरली कारोबारी मुलाकात थी या क्या था। नहीं, ये जो सज्जन जिंदाल है इनके एक भाई जो है नवीन, नवीन जिंदाल, वो तो उसके लोकसभा के मेंबर भी हैं, लोकसभा के कांग्रेस के टिकट पे, और बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है वहाँ की, हरियाणा से इनका ताल्लुक है। तो एक किस्म में समझे हरियाणा जो है वो भी पंजाब का हिस्सा था ना जी। तो मशरकी पंजाब में जो हमारी सरजमीन थी पंजाब की, उसके तीन हिस्से कर दिए गए हैं, एक हरियाणा है, एक पंजाब है और एक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो ये इनका मेरे ख्याल हरियाणा से ताल्लुक है इस फैमिली का। और कोई $5 अरब के करीब इनकी वर्थ जी अंदाजा है, और ये माइनिंग में भी और एनर्जी में भी और स्टील में भी, सॉफ्टवेयर में भी। और तो इनके नवाज शरीफ साहब से ज़ाती ताल्लुकात हैं, और जब वाजपेयी साहब की तकरीब हल्फ वफादारी में शिरकत के लिए गए थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त इन्होंने उनको चाय पर भी मद्दो किया था, ठीक है, वहाँ इंडिया में, इंडिया में। और ये जो हमारी NDTV की बरखा दत्त है, उन्होंने किताब भी लिखी है, तो उस किताब में उन्होंने मुख्तलिफ कहानियां बयान की हैं इंडियन फॉल्ट लाइंस की, उसमें ये जो सज्जन है इनका भी रोल बताया है कि काफी जिक्र किया, मोदी साहब के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, और इन्होंने जो मुलाकातें हुई हैं मोदी साहब के साथ नवाज शरीफ की उनमें, बल्कि जब दिसंबर में मोदी साहब आए तो वो भी इसमें कहा जाता है रोल अदा किया। उस वक्त ये लाहौर में थे, मौजूद थे, और मगर इन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में शिरकत के लिए आया हूं और उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो क्योंकि सियासतदान तो नहीं है, तो खामोशी से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खामोशी से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, और कुछ नामा उपयाम भी उनके जरिए जारी रहता है। और अगर पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली तो इसकी तस्दीक नहीं की, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी हल्के से भी सुनने को नहीं मिला, लेकिन इस पे कोई हंगामा बर्पा करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, ये जो हमारे बास चैनल्स हैं ये अपनी हदूद तो से निकल जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनको हक हासिल है, वो जिससे चाहे मिले, जो आदमी उनसे मिले और उससे तबादला ख्याल करें। और देखिए, पाकिस्तान में जो आता है कोई चोरी छुपे तो आता नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन पे आएगा, बाकायदा उसका रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ आमद होकर इसकी उसको रजिस्टर किया जाएगा, इमिग्रेशन से गुजर के आएगा, नहीं पासपोर्ट नंबर तो जारी किए गए, नहीं तो उसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं। कोई हर आने वाला जो है इंडिया से कोई खुदा ना खासा जासूस तो नहीं होता, या हमारा जो हमको जाते हैं जब इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क में, तो ये अगर ऐसी मुलाकात कोई हुई है और वज़ीर आज़म से, मेरा ख्याल है उनके वानी साहब से आपने कुछ मालूम किया है? नहीं, उनके इल्म में नहीं था, उनके इल्म में नहीं था, लेकिन ये बात तो उन्होंने तस्दीक की कि वज़ीर आज़म से उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। उनके दोस्त हैं पुराने। बरखा दत्त ने भी लिखा है कि जो हुसैन हैं, हुसैन साहब,
उनको जब खाने के लिए ये लेके जा रहे थे वहाँ होटल में, तो उससे उनके एक ताल्लुकात का अंदाज़ा और तकरबत का, वो भी स्टील के बिजनेस में है, ये भी स्टील के बिजनेस में है, और बहुत से हमारे पाकिस्तानी हैं जिनके बहुत से इंडियंस के साथ, हमारे भी कई दोस्तों के साथ अखबार नवीसों के साथ मरासम है, आपके भी हैं, तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। लेकिन है ये अकेले नहीं थे ना, इनके साथ एक सौकेत संगाल और वरिंदर सिंह बब्बर साहब भी थे, इनके दोस्त ही होंगे, बिजनेसमैन ही वो भी होंगे। असल बात ये है कि मेरा ख्याल है कि जब ये खबर आई थी, इससे पहले वजीर आजम हाउस से ये इतला दे देनी चाहिए थी, अगर उनसे मुलाकात हुई है तो कोई इसमें बता दिया जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि जब वजीर आजम की कोई मुलाकात खुफिया तो होती नहीं है, दिन दहाड़े की मुलाकात है। और मैं बड़ा, लेकिन एक खबर और मिली है, ये जो आपने कहा ना कि उनकी मुलाकात खुफिया नहीं होती, उनके जो स्केड्यूल के मुताबिक स्केड्यूल में एक रिस्पांस ये मिला सरकारी जराये से कि उनके दस्तयाब स्केड्यूल में ऐसी किसी मुलाकात का हाल दर्ज नहीं है, स्केड्यूल से हटके प्राइवेट मुलाकात भी। बहरहाल जो भी है, देखिए हमें यह तमन्ना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी मुलाकात होगी तो इसका मतलब कोशिश हो रही है कोई भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, या उनका कोई प्याम आया है, ये भी हो सकता है, ट्रैक टू या ट्रैक थ्री कह लें, जो भी है। अब देखिए वो बरखत दत्त ने तो ये लिखा था कि नेपाल में इसके सज्जन जिंदल के कमरे में वहां मिले भी थे वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ साहब, तो पाकिस्तान के सरकारी जराये ने इसकी तस्दीक नहीं की। तो इस बात यह है कि अगर कोई ऐसी मुलाकातें होती हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती, तो दरअसल वो भी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी ऐसी बात नहीं पाकिस्तान का वजीर आजम अगर किसी शख्स से मिलेगा तो ये इसका मतलब ये, इसमें कोई चहमगोइयां करने की या उसमें कीड़े डालने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है, और वो कोई अच्छी बात हो सकती है, कोई प्याम आ सकता है, इसमें कोई एतराज की बात तो मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम राजा साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से, वो भी कोई खबर लेके आए, चलिए उससे पूछ लेते हैं। इब्राहिम राजा साहब, अस्सलामुअलैकुम, ये मुलाकात आज हुई या कल हुई, क्या मालूमात है आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम जामी साहब, ये गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए थे जी, वो अक्सर वीकेंड पे भी जाते हैं मरी, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, और उनकी मुलाकात भी हुई है जुंदाल से और उनके जो वक्त है जी, जी। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक इसमें कोई किसी किस्म का जिस तरह के बाद इतलात हैं कि शायद को नरेंद्र मोदी साहब को मैसेज लेके आए, कोई पैगाम, ऐसा ना कोई पैगाम है, ना ही कोई ऐसा खास मैसेज है, ये सिर्फ एक जाती नौयत की मुलाकात थी, और जिंदाल के साथ एक पुरानी दोस्ती है और उनके फैमिली फ्रेंड भी हैं वो, तो इसमें एक जाती नौयत की एक मुलाकात थी, इसमें कोई एजेंडा या कोई मैसेज या कोई पैगाम नहीं दिया गया। हमारी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उन्होंने भी तस्दीक की है कि ये एक बिल्कुल कोई खुफिया किस्म की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक फैमिली मीटिंग थी, इसके अलावा इसका कोई एजेंडा नहीं था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राय साहब, फिर तो बात क्लियर होगी ना कि जाती नौयत, निजी नौयत की, ये निजी नौयत की जो मुलाकात है, देखिए इसमें आप ये सरकारी जराये तो ये कहते रहेंगे कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसको उस यानी उस पर कबूल नहीं कर सकते, उससे उसमें इम्कान पाया जाता है, जब एक ऐसा यानी बार रसूख शख्स जो है वो मिलेगा और जिसकी दोनों वजीर आजम जो है उन तक रसाई है, तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ मामला बेहतर भी बरामद हो सकता फिर है, वो महज चाय पानी की मुलाकात नहीं, चाय पानी की मुलाकात नहीं होगी, अगरचे के सरकारी जराये यही कहेंगे। और देखिए अगर कोई ताल्लुकात में एक बात तो बड़ी तय है कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि भारत से हमारी कोई लड़ाई हो जाए या हमारे कोई ताल्लुकात कशीदा रहे, हम तो एक बाइज्जत तरीके से भारत से अपने अपने जो मामलात हैं या इख्तलाफात हैं तय करना चाहते हैं, उसके लिए बातचीत से अगर रास्ता निकलता है तो इससे कोई अच्छी बात नहीं है, तो मतलब ये कोई मिलना मलाना जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर कोई बात अगर रास्ता नहीं निकलता तो तब भी देख लेंगे और निकल आए तो तब भी देख लेंगे। अच्छा जी, ये अभी कुछ देर पहले ही अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट आया है कि जिंदाल साहब जो है वो पुराने दोस्त हैं वजीर आजम साहब के, और कुछ भी सीक्रेट इस मुलाकात के हवाले से नहीं है, एंड शुड नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। हाँ, मतलब तनासुब से बड़ा, हाँ तनासुब से बड़ा काम जो होता है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को मालूम होना चाहिए, माशाल्लाह वो मीडिया पे बड़ी उनकी नजर है और उनके ट्वीट आते हैं तो एक
जिंदगी की लहर तो दौड़ती है ना, लोग सोशल मीडिया पे खासी एक्टिव, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, उनकी बात भी सुनी जाती है तवज्जो से, तो मुनासिब बात यह होती है कि ये खुद ही जारी कर दिया जाए, वजीर आजम की जब कोई मुलाकात हो उसकी तस्वीर भी जारी हो जानी चाहिए, उसकी खबर भी जारी होनी चाहिए। दोपहर से खबर चल रही है ना, मौका क्यों मिले किसी को इस तरह सनसनी फैलाने का और इस तरह हंगामा उठाने का? यानी कोई जुर्म है मोहब्बत जो छुपा छुपा के रखी चले, कोई कहीं कोई आना जाए, कहीं कोई पाना जाए, कहीं कोई पाना जाए। अब देखते हैं जी क्या कुछ प्रेस रिलीज जारी होती है या नहीं होती, अब तो क्या होगी। ठीक है, अब आप इसे ट्वीट को काफी समझे, काफी समझ लिया। अब ये देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत एक निहत्ती आसिया अंदराबी से खौफजदा है, और उन्हें कल श्रीनगर के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पादाश उनके जुर्म, किस जुर्म की पादाश में वो के पाकिस्तान के नारे लगाती हैं, झंडे लहराती हैं, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आसिया अंदराबी तो बाकायदा यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी खातून है, और उन्होंने एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो का जो ख्वातीन विंग है उसकी सरबरा है, जिसको दुख्तरान मिल्लत के नाम से याद किया जाता है, और एक तवील अरसा उन्होंने भी कैदोबंद में गुजारा है। एक बार एक मुकदमे में जमानत हुई, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे में रहाई हुई, तीसरे में गिरफ्तार कर लिया गया, और मुतअद्दद बार उनको हवाला जिंदा किया जा चुका है। देखिए वो आपको याद होगा 2 साल पहले मेरा ख्याल उन्होंने हाफिज सईद ने साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ, तो उससे बराह रास्त श्रीनगर से उन्होंने खताब किया था टेलीफोन के जरिए उस पर, तो उस पर भी उन पर मुकदमा चला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो पाकिस्तान जो है उसका तराना गाती हैं, उसके नारे लगाती हैं, यौम आजादी के मौके पर हमारी झंडे लहराती हैं पाकिस्तान के, तो उन्हें तो इसमें कोई खौफ नहीं है। और कई दफा उनका और उनको जेल के सपोर्ट किया जा चुका है, और उनके जो शौहर हैं देखिए 1900 मेरा ख्याल शादी उनकी हुई है 92 में, और मेरा ख्याल 92 है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, तो अब वो उस वक्त से वो जेल में है। यानी एक तो शादी कुछ अरसा उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी से लुत्फंदोज हुए शादी के फौरन बाद, और एक बाद में उनको जमानत पर रहा किया गया चंद कुछ बड़े मुख्तसर से अरसे के लिए। जब से उनकी शादी हुई है 2 वक्फों को छोड़ के मुसलसल वो जेल में है, जेल में है, और उनके 2 बच्चे हैं, जवान हैं, और पूरा तन मन धन से वो तहरीक आजादी के साथ वाबस्ता है, और कश्मीर पर भारत का कब्जा जो है कबूल करने को। अब ये देखिए शामी साहब कि 1 माह के लिए भारत सरकार ने ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया की जो 22 के करीब साइट्स हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी पूरे 1 माह के लिए। देखिए आप हम यहाँ फिर वो दावे करते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं ना सबसे बड़ी जमहूरियत है, हम आजादी की बात करते हैं, हमारे लिए आप जरा उसका तस्वीर कीजिए जो श्रीनगर में है, उनके लिए आजादी का नारा जो है इसका मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक। उनके लिए पाकिस्तान का परचम जो है इसका मतलब क्या है? उनके लिए हरा जो है रंग उसका मतलब क्या है? और सर हथेली पर रखकर और जान जोखों में डालकर उनको झंडा बुलंद करना पड़ता है, और वो बुलंद करते हैं सलाम उनकी हिम्मत को और उनकी हिम्मत को, उनकी जरूरत को, और हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि एक दिन जरूर आएगा जब भारत का बोरिया बिस्तर वहां से गोल होगा। पूरी दुनिया जो है इस पे थू थू कर रही है, हर रोज एक नई कहानी है, हर रोज जबरो तशद्दुद की एक नई दास्तान है। आप देखिए अपनी यानी फौजी गाड़ी के आगे एक नौजवान को उन्होंने बांध दिया था कि लोग पत्थर ना मारे, पत्थर ना मार सके उस पर, तो ये पूरी दुनिया में इस पर थूथू हुई। तो बात ये कि जब जितनी जल्दी भारत समझ लेगा उतना बेहतर। अच्छा शाम से एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन पिछले मोल से जुड़ा एक अभी अहम खबर दी कि पीटीआई ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई है कि इस मुलाकात के मुंदरजात को आम किया जाए, इसके बारे में ऐवान को एतमाद में लिया जाए। और दूसरी अहम बात उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इस्तीफा दे दें पनामा के फैसले के बाद, इससे पहले कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाए। ये मियां महमूद रशीद साहब हैं जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, वो ये कह रहे हैं, तो गोया तीसरी कुव्वत को एंटिसिपेट किया जा रहा है फिर? नहीं देखिए बात यह है कि मुनहसर मरने पर हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। और ये जो हमारे महमूद रशीद साहब हैं इनकी जिंदगी जिस किस्म की कुव्वतों के दरमियान गुजरी है वो भी हमारे सामने है। चले फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जिक्र होगा 10 अरब की ऑफर का।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, 10 अरब रुपए की ऑफर का सवाल था, कल भी ज़रे बहस था और लगता है कि आपकी बात जो है वो सियासतदानों ने बड़े गौर से सुनी है। यही वजह है कि एक तो वज़ीर आज़म हाउस में भी एक मशावरती इजलास हुआ, इस पर गौर किया गया और साथ ही GIT के हवाले से भी कहा गया कि जो भी ज़रूरत होगी, जब भी तलब किया जाएगा, हम तमाम तर चीज़ें पेश करेंगे। लेकिन वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्या ये इल्ज़ाम अगर गलत साबित होता है तो क्या वो सादिक और अमीन है या नहीं। फिर खुर्शीद शाह साहब बोले, फिर सिराजुल हक साहब बोले और उसके बाद इमरान खान साहब खुद कल बोलते रहे, अपने बयान की मजीद वजाहत करते रहे। तो पहले खान साहब से शुरू कर लें। मेरा ख्याल तो यानी तस्वीरी खबरनामा आप दिखा दें, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली लोगों ने क्या कहा है। हाँ। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है जिसको नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल ठीक। मैंने कल भी अर्ज किया था, सदर पाकिस्तान को इस पर नोट खत लिखना चाहिए चीफ जस्टिस को। और अभी जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म हाउस में जो इजलास हो रहा है, ये पाकिस्तानी अदारों को दबाव में लाने की एक बड़ी कोशिश है भारी। इसीलिए जो बात खुद खान साहब कह रहे हैं उससे भी ये नतीजा निकल रहा है, और जो फिर उनके गवाह जो हैं हजरत सराजुल हक बोले हैं, हाँ, वो तो बहुत अहम बात, उन्होंने भी उसी तरीके से गुफ्तगू की है। तो ये इनको छोड़ना नहीं चाहिए इस मामले को, और बिल्कुल तय तक पहुंचना चाहिए। अब चूंकि कल तिश्नगी थी कि भी ऑफर किसने की, कब की, कहां की, तो खान साहब ने खुद एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू की, जरा देखिए क्या कहते हैं वो। नवाज शरीफ टेलीफोन कर रहे, जी इमरान खान मैं आपको 10 अरब रुपए ऑफर कर रहा हूं। इस तरह तो नहीं होता ना, किसी के थ्रू इन्होंने मुझे मैसेज भिजवाई। वो ऐसे हैं जो कि इनके भी इनके उनकी रिश्तेदारी है, उनके भाई की रिश्ते इनके काफी करीब हैं, उसके थ्रू ऑफर आई और दुबई के जरिए इन्होंने ऑफर किया। और ये नहीं कहा 10 अरब, सिर्फ 10 अरब स्टार्टिंग पॉइंट, और जो आदमी था उसको भी ऑफर किया कि अगर तुम इसको मनवा लो हम तुम्हें भी पैसे देंगे। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि सोचें कि अगर उन्होंने मुझे ऑफर किया तो वो जजेस, मैं इसलिए उनको दाद देता हूं, 5 जजेस को, उनके ऊपर इन्होंने कितना काम किया होगा। असद उमर बिल्कुल नहीं है, लेकिन है, और इनको भी पता है। अगर वो ये नाम क्यों नहीं ले पा रहे वो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो उस बेचारा वो फंस जाएगा। उसने जिस तरह के मुझे उन्होंने बताया, मियां साहब का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से ऑफर आई है, क्योंकि ये एक्चुअली तो सारा शरीफ खानदान है और उनकी डायरेक्ट मियां साहब से नहीं है, दूसरी तरफ है, शहबाज शरीफ की तरफ, उनकी तरफ है। वैसे बड़ी मुश्किल से एक जुमला रोका उन्होंने। हाँ ठीक है, मतलब जो वो कहना चाहते हैं वो कुछ ना कहा और कह भी गए। कह भी गए। अब देखिए कि फिर हामिद मीर साहब की भी इनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, तो वो भी कुछ बयानी है, वो भी देख लेते हैं। ये गुफ्तगू तो काशिफ से थी, ये गुफ्तगू काशिफ साहब से थी। इस पे आज शाम को मैंने भी बात की, तो इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा कि वो अपने बयान पे कायम है। मैंने कहा तफसील बताएं, उन्होंने कहा कि ये मेरा लाहौर से ताल्लुक रखने वाला एक बिजनेसमैन दोस्त है और उसको कॉन्टेक्ट किया गया था, और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ का एक दोस्त है जो कि मेरे दोस्त का दोस्त है, और उनका आपस में दुबई में कहीं कांटेक्ट हुआ था। ऑफर यह की गई कि आप अगर इमरान खान से डील करा देंगे तो आपको 2 अरब रुपया मिलेगा और हम इमरान खान को 10 अरब रुपया देंगे। मैंने इमरान खान साहब से कहा उसका नाम ले दें, उन्होंने कहा अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस ये तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं अपने बयान पे कायम हूं। तो इमरान खान साहब अपने बयान पे कायम है। शाम साहब को खुरा मिल तो रहा है ना कि शहबाज शरीफ साहब के करीबी हलके का वो नाम ले रहे हैं, कहते हैं लाहौर के वो ताजर हैं। भाई हमें भी मालूम हो ना कि लाहौर में और कौन सा ताजर है। यानी आपको मालूम नहीं है जो हथेली पे रख के 10 अरब रुपया फिर रहा है। इतना मैं तो जब मेरी पहली ये मैंने खबर सुनी तो मैंने कहा भाई ये तो हमारे दोस्त जो हैं मलक रियाज साहब, वो ही ऐसे दरिया दिल हो सकते हैं कि वो किसी को कहे चलिए यार ये बात छोड़ो मुझसे 10 अरब रुपए ले लो। चलिए वो तो वो उनका, बाकी तो मुझे और कोई ऐसा नजर नहीं आया। तो वो तो दूर दूर नहीं है इस मामले में, इसलिए कि जो बंदे ने डील करवाई थी उसे भी 2 अरब मिलना था, तो मलिक साहब तो नहीं कहेंगे ना मुझे 2 अरब तो है नहीं इस मामले में, और उनको दिलचस्पी भी नहीं है मेरे ख्याल इसमें। तो अब सवाल ये है कि लाहौर से और फिर ये कब ऑफर हुई, यानी जब सारा कुछ कर दिया इमरान खान साहब ने और जब उसके बाद ये ऑफर हुई तो फिर बड़ी यानी बेवक्त ऑफर थी, और फिर ये ऑफर धरने में होनी चाहिए थी उस वक्त, क्यों नहीं हुई जिस वक्त ये हो रहा था दांदली दांदली उस वक्त होनी चाहिए थी। तो बहुत से सवालात पैदा होंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है
कि इसकी तह तक पहुंचे, ये ऑफर क्या थी, करने वाला कौन था, पैगाम लाने वाला कौन था, उनके नाम सामने आ जाए, बट पड़ताल हो तो हर चीज खुल जाएगी। बिल्कुल, आप देखिए सिराजुल हक साहब ने क्या कहा इस पर, वो बड़ा दिलचस्प बयान उनका, देखिए। इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि मुझे 10 अरब के लिए कहा गया कि ये ले ले और अपना मौका छोड़ दे, तो जाहिर है जब इतने बड़े जलसे में मीडिया के सामने वो एक बात का ऐलान करते हैं तो किसी ने अपर तो क्या होगा, आप वो आदमी कौन है या अगर वो ना ही बताएंगे, लेकिन बहरहाल अलामात तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं कि वो कौन होगा। अगर एक सियासी लीडर को इस तरह पेशकश लोग करते हैं तो फिर अदालतों का क्या हशर होगा और फिर इदारों का क्या हशर होगा, इसलिए एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है जिस पे कौमी तौर पर सोचने की ज़रूरत है। अब सर मुझे कहने दीजिए कि जो जहां खान साहब ने बात पलटी थी शायद उसका भरपूर इजहार सिराजुल हक साहब ने कर दिया। अब इनसे गौर फरमाइए, जो इन्होंने गुफ्तगू की है वो कौन सी फिका की रोशनी में की है, ये तो इनसे नहीं मालूम होगा, कोई फिका सिराजिया मालूम होती है। क्या फरमाया कि जनाब क्योंकि इतने बड़े जलसे में बात कही है तो इसका मतलब जो बड़े जलसे में बात कही जाएगी वो तो उसमें हकीकत तो होगी, तो इसका मतलब यह है कि जो शख्स बड़े जलसे में खड़ा होके कोई बात भी कह दे तो फिर नवाज शरीफ साहब जलसों में जो बात कहते हैं उनको भी आपको मानना चाहिए, जो आप खुद कहते हैं तो उसे मानना उसको भी मान लेना चाहिए। ये जरा अपोजिशन लीडर को भी सुन लीजिए, और नहीं पर जरदारी साहब जो जलसों में बात कहते हैं बिल्कुल, जो आज बिल्कुल जो आजकल कह रहे हैं, ये बयान फरमाया कि बड़े जलसे में बात कही गई है, तो फिर साथ जो बात कहने वाला है उससे नहीं पूछा जा रहा बल्कि उसके नतीजे में अदारों पे उंगलियां उठाई जा रही है, बिल्कुल पाकिस्तानी रियासत का भरम खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिलों में वसवसे डाले जा रहे हैं। और ये देखिए, और आप बड़ा सीधी बात है कि आप कहें कि खान साहब इसके बहुत नतायज खराब निकल रहे हैं या निकलेंगे, बराए करम पूरी तरह हकायक बयान करें जो भी आपके पास है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा और दूसरी बात कर दी, यानी वो वसवसों में वसवसे मिला दिए अपने, मजीद इजाफा कर, मजीद इजाफा कर, लेकिन ये बात खुर्शीद शाह साहब ने जरूर कही है, देखिए। का नाम देना उसको पड़ेगा, देना पड़ेगा, ये बात अखबार में आ गई है या तो वो बात नहीं करना चाहते थे तो ये नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने दोस्तों में बैठ के ये बात करता तो बात आती, मगर क्योंकि उसने प्रेस में ये बात उठाई है और कहा ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है, इसको इसको उसको ऑन भी करना पड़ेगा, डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, नहीं तो इमरान खान को अपनी सियासत से हाथ। लेकिन अलमिया सुनिए ना, अलमिया खान साहब की गुफ्तगू लुबे लुबाब ये है कि नाम उसका नहीं बताऊंगा बेचारा फंस जाएगा, यानी खान साहब के भी ताल्लुकात हैं, हमदर्दी भी है, कोई दोस्ती भी है। खान साहब देखिए, जब उन्होंने ये बात कर दी जो खुर्शीद शाह ने कहा कि अब जब उन्होंने बात इसको पब्लिकली कर दिया कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई तो अब खान साहब के हाथ में नहीं रही ये बात, बिल्कुल ठीक, मैंने कल भी अर्ज किया था आज फिर दोहरा रहे, और शहबाज शरीफ साहब ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, हमारे अहमदा शहबाज साहब ने कहा मैं कोर्ट में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, भाई कानूनी कार्रवाई आप क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई में तो समन ही तामील नहीं होंगे 2 साल, कानूनी कार्रवाई इस मुल्क में क्या होती है, और जेरी अदालतें जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब वो दुनिया भर के नोटिस लेते हैं सुओ मोटो, और आज उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी वो जो ये शनाख्ती कार्ड है उनके लिए उसका नोटिस लिया हुआ था, और सवाल ये जेरे बहस था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी वही फीस होनी चाहिए शनाख्ती कार्ड बनवाने की जो पाकिस्तान के अंदर है। ओ भाई, जो डॉलरों में कमा रहे हैं, जो रियालों में कमा रहे हैं, उनको आप पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक नहीं ले सकेंगे आप उनसे। वो मुझे बात याद आई, लतीफा उसमें याद आया कि हमारे ये जो मौलाना गुलजार अहमद मदारी साहब थे मरहूम मकफूर, ये डॉक्टर हुसैन पराचा साहब के और फरीद पराचा साहब के वालिद, वो गए नॉर्वे में, नॉर्वे लोगों ने कहा कि रोजा बहुत लंबा होता है, हाँ, वहाँ पे नॉर्वे में बिल्कुल, तो कोई ऐसा काम कीजिए कि हमारा रोजा जो है ऐसा फतवा दीजिए कि छोटा पाकिस्तान के मुताबिक या कोई मक्का के मुताबिक मदीना के मुताबिक रोजा खोल ले। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कहा अच्छा जो पैसे कमा रहे हो वो तो नॉर्वे के मुताबिक कमा रहे हो, रोजा पाकिस्तान, रोजा पाकिस्तान का रखना चाहते हो, अगर पाकिस्तान के पैसे कमाओगे तो पाकिस्तान का रोजा भी रख लो, बिल्कुल ठीक। तो भाई बात यह है, अब हमने भी पैसे कमाने हैं क्योंकि कमर्शियल आ रहे हैं, ठीक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, आज मुमताज़ पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल्कदीर खान साहब की सालगिरह 81 वर्षीय हो गए। 81 बरस के हो गए। हाँ, तो भोपाल में पैदा हुए। हाँ जी। तो इंटरनेट पर बतन की तारीख पैदाइश गलत लिखी हुई है, तो उन्हें मालूम कर लेते हैं। सालगिरह तो आपने बता दिया था। 27 अप्रैल है। हाँ, तो आज है। आज है, आज आज 81 साल के हो गए और पाकिस्तान हिजरत करके पाकिस्तान आए और जनाब फिर उसके बाद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क गए और वहाँ से इल्म जो है हासिल किया और पाकिस्तान को बड़ा मुस्तफीद किया, पाकिस्तान को इंतहाई ताकतवर मुल्क बना दिया। ठीक है। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आप जनाब मुबारक हो डॉक्टर साहब, आपको सालगिरह की, आपकी सालगिरह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या महसूस कर रहे हैं अब आप 81 साल के होके? ये सोच रहा हूँ कि बस अब रास्ता थोड़ा सा ही रह गया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन फर्क तो बहुत कम है, 81 को अगर उल्टा कर दें तो 18 बन जाता है। नहीं, वो तो 18 होते तो कुछ बेकार ही होते, बिल्कुल सड़क पे मारे मारे फिर रहे होते। अच्छा जी, मुबारक हो, बहुत मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब कैसे मनाते हैं अपनी सालगिरह को, ऐसे दिनों को? अल्लाह के करम से गुजारा हो रहा है। कभी हमने घर में नहीं मनाया, बच्चे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मनाएंगे। तो बेगम और हमने बस यहीं पे केक मंगा लिया थे, केक चीज खा लिया। चले, अल्लाह आपको सलामती दे, तंदरुस्ती दे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाम साहब, मशाल कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई आज। DIG मर्दान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका जो मरकजी मुलजिम था इमरान, ये लड़का जर्नलिज्म में मशाल का क्लास फेलो था और इसने 2 फायर मारे थे उसको, और 2 मुलजमान के इतराफी बयान के बाद इसे पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी जो आजकल नोटिस केस चल रहा है, वहाँ पे भी JIT में जो तब्दीली की गई, यानी MI और ISI के नुमाइंदे डाले गए, उस पर इजहार इत्मीनान किया गया। और ये मरकजी मुलजम की गिरफ्तारी बहरहाल सबसे बड़ा क्रेडिट है आज की पेशरफ्त में। देखिए, ये दुरुस्त बात है, इस मुकदमे के सारे हकायक जो हैं वो मंजर आम पर आने चाहिए और पस मंजर में अगर कोई बात छुपी रह गई है तो तफ्तीशकारों का फर्ज है कि उसको भी सब सामने लाएं, ताकि ये इतनी बड़ी जो भयानक वारदात है उसके हकीकी असबाब जो हैं उनका पता लग सके। बिल्कुल ठीक। ये PID में आज PTI को शाम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। नहीं, मुलाक साहब ये कहते हैं कि हमने तो दरख्वास्त भी दी थी, उसके बावजूद जो वहाँ पे मुतलकीन है मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। फिर करीबी थाने में दरख्वास्त भी दी, फिर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा का एक पैगाम भी आया, उन्होंने कहा कि कल को ये कहेंगे 10 मिनट के लिए PM हाउस में आने दो, तो वहाँ भी आने दें क्या? नहीं, देखिए बात क्या है, PID जो है ये सरकारी अदारा है, यहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं उनको यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, जो वजीर हजरात हैं वो करें, मरियम औरंगजेब करें, दूसरे वजरा करें, लेकिन जो ऐसे लोग जो वजीर रही हैं, पार्टी के होदेदार हैं, वो यहाँ बैठकर कॉन्फ्रेंस ना करें। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो PTI भी कहेगी कि हमें भी 2016 में प्रॉब्लम एक बार PTI को मौका दिया गया, उसके बाद कभी नहीं दिया गया। कहा 2016 में मुझे याद पड़ता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप या तो एक कमरा मुख्तस कर दें कि जो चाहे आके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले चिट्ठी लिखे और फिर आ जाए। नहीं, हाँ, ये ऐसा कर ले बिल्कुल, या फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी रोक दें कि आप जाके प्रेस क्लब में फोन कर लें, आप मुस्लिम लीग के दफ्तर में कर लें, जो वहां पे मुकामी दफ्तर है, जो वज़रा कराम है वो यहाँ करें, हसन इकबाल साहब आए, मरियम औरंगजेब आए, ख्वाजा आसिफ साहब आए, खुर्रम दस्तगीर आए, वज़रा कराम यहाँ आए और गैर वजीर यहाँ ना आए। बिल्कुल श्याम साहब, आज का दिन मेरे लिए ज़ाती तौर पर इंतहाई अफसोसनाक दिन है, काफी तकलीफ में, रंज में मुबतलाओं में मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम उस्ताद गिरामी, बहुत सीखा उनसे मैंने, इल्मी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर तमीमी साहब आज इंतकाल कर गए हैं, इल्म व दानिश का मेदार थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। 40 बरस तक जामिया पंजाब में वो तालिब इल्मों को पढ़ाते रहे, पाकिस्तान स्टडीज़ हों, साउथ एशियन स्टडीज़ हों, मज़ाहिब का मुतालिया हो, तारीख़ का हो, सिखों का मुतालिया हो, बरसग़ीर पाक व हिंद की सूफ़ी मौसीकी हो या सूफ़ी फ़िक्र हो, बेशुमार किताबें, और बिलखसूस इकबाल पे उनकी बड़ी दस्तरस थी, 2 बड़ी शानदार किताबें, ज़वाल से इकबाल तक और इकबाल साहिब हाल, ये बड़ी मारूफ और मशहूर हुई, जिसमें उन्होंने इकबाल के हवाले से अपनी अकीदत और इकबाल ने जो फ़लसफ़ा बयान किया उसको अपने अल्फाज में बयान। आज इंतकाल कर गए, 67 बरस की उम्र थी। आज सुबह डिपार्टमेंट गए, साउथ एशियन स्टडीज़ में पढ़ाते थे, रिटायरमेंट के बावजूद भी वो फ्री वहाँ पढ़ा रहे थे।
तो क्लास पढ़ाई अपने कमरे में आए प्रोफेसर एमेरिटस थे जी, तो हार्ट अटैक हुआ। और देखिए बात यह है कि वो तकरीब मेरे हम असर थे, एक जमाने एक ही साथ एक प्रोफेशन में रहे और नवाए वक्त से मेरा ख्याल नवाए वक्त में थे, सिटी एडिटर थे, सिटी एडिटर थे और फिर इस्लामिया कॉलेज में भी रहे जी, और जब यूनिवर्सिटी में आए तो फिर यूनिवर्सिटी के ही हो गए और चंद रोज पहले उनसे आपके साथ मुलाकात भी हुई थी। एक कमरे में हॉस्टल के पूरी जिंदगी गुजारती, शादी नहीं की, अपने भाइयों की तरफ और दूसरे अहले खाना की तरफ तवज्जो दी, उनको पाला पोसा पढ़ाया, शादियां सेटल किया और खुद उनकी जिंदगी उनकी खान का उनका कमरा जो था उनकी खानकाह था, सूफी बुजुर्ग थे कोई शक। और जब भी उनसे उनकी उनसे बात हुई, जब भी उनसे कोई मिलने का इत्तफाक हुआ तब एक रूह में ताजगी पैदा हुई उससे, तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। और वो अपनी ढप के एक खास शख्स थे, अनोखी वजह है, बहुत उन्हें सारे जमाने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। अब इस तरह के टीचर इतनी लगन जिनमें हो, बस एक कमरे में जिंदगी गुजारी, वही उनका बेडरूम था, वही उनका ड्राइंग रूम था, वही उनका स्टडी रूम था, वही खा लिया। और आखिरी तो आखिर बार जब मैं उनसे मिला हूँ तो आप भी साथ थे, पकौड़ों से रोटी वो खा रहे थे जी। तो एक बड़ी सादा जिंदगी गुजारी, आसान तरीके से जरूरियात कम से कम रखी और, सर, और बस उनके जानने वालों देखने वालों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके लिए साले सवाब करे। आज उनका जनाजा था तो उसमें शरीक हुए सैकड़ों तालिब इल्म थे, टीचर थे, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर साहब, वो भी तशरीफ लाए। और दुआ कर सकते हैं और उनको बिल्कुल याद रहेंगे, वो उनकी किताब डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब ने वो पीराना साली के बावजूद और बीमारी के बावजूद वो तशरीफ लाए और उन्होंने खुद नमाज जनाजा अदा। प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, जाते जाते उस्ताद गिरामी जहांगीर तमीमी साहब का एक जुमला के मालूमात से निजात का नाम इल्म है, इसी पर इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।